ते हुए मंच संचालक द्वारा कार्यक्रम की बागडोर अपने हाथों में संभाली गई। तत्पश्चात मंगलाचरण करते हुए कार्यक्रम का मंगलमय शुभारंभ हुआ। आज का भगवान श्री का ये दरबार, ये हम लोगों की जो स्मृतियों में वो आज भी अपना आशीर्वाद हम लोगों को दे रहे हैं, ये तभी फलीभूत हो सका जब आप लोगों के मन में उनके प्रति वो अगाध श्रद्धा थी जो उनको जब तक ये कायनात है तब तक उनको जीवित रखेगी, हमारे मन के अंदर उनको हमेशा स्थापित रखेगी। एक बार पूरा सदन अपने दोनों हाथों को उठाए और तालियों में तब्दील करके हम लोगों को अनुमति दे कि हम आज के समारोह का आरंभ कर सकें, इसका आगाज कर सकें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सब साहूणम। और फिर श्रृंखला बद्ध चरण शुरू हुआ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने का। सभी मिलकर के बोलेंगे ओम नमो भगवते राम प्रसाद आए, 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 ओम नमो भगवते राम प्रसाद आए। कि भगवान राम प्रसाद बसे हैं कण कण में, खुशबू उनकी आज हमारे जीवन में, पल भर में किस्मत चमक जाया करती, ऐसी थी करामात उनके वचनन में। कि भगवान राम प्रसाद बसे हैं कण कण में, मैं सहूं सभी बोले आपका सरना मिला तो हो गया कमाल, हर खुशी हमको मिली हम हो गए निहाल, अब तो है हर पल उदासी और उलझने, आप है जब से गए हम हो गए बेहाल। हो भगवन भगवन मेरे भगवन, भगवन 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 भगवन, सिर पे सदा ही रहती थी मिलता दिल को चैन अनूठा, ठंडी हवा जब बहती थी भी चला दो वो पावन पवन, लो नमन भगवन, तुमको पुकारे ये सारा चमन, लो नमन जय जय। पीपल राय जैन घराना, पीपल इसरो के अनेकानेक मंगल उद्बोधन भी हुए। पावन ज्योत जगे मन में तम दूर कर
रो भर दो जिया रो, जीवन के सब सार लिखे नित लेखन पाठन और निखारो, जीवन के सब सार लिखे नित लेखन पाठन और निखारो, मानु तजे अभिमान तज तज औरन को यह दास निहारो, मानु तजे अभिमान तज तज औरन को यह दास निहारो, और साधक आज करे विनती अब मात कृपा कर आन पधारो, साधक आज करे विनती अब मात कृपा कर आन पधारो, मात कृपा कर आन पधारो, मात कृपा कर आन पधारो। ये चार पंक्तियां भगवान श्री की सुने। मजा धर्म में जिसको आता रहेगा, मजे जिंदगी के उठाता रहेगा। मजा धर्म में जिसको आता रहेगा, मजे जिंदगी के उठाता रहेगा, और धर्म पर दिलो जान कुर्बान जिसके, वो मर कर भी जिंदा कहता रहेगा। शब्द अनाथ हुए, अर्थों का वैभव विपुल विराट गया। शब्द अनाथ हुए, अर्थों का वैभव विपुल विराट गया, ठगी खड़ी है भाषा उसके गीतों का सम्राट गया। और शेर देखें, जिसकी नजर अंधेरा हरती आंखें रोशन करती थी, जिसकी नजर अंधेरा हरती आंखें रोशन करती थी, धरती का सूरज पलकों के करके बंद कपाट गया। और जीवन परम लक्ष्य का रास्ता सांस कदम है ये कहकर, जीवन परम लक्ष्य का रास्ता सांस कदम है ये कहकर, आत्मशक्ति से वो रास्ते की हर मुश्किल को काट गया। मर कर भी तू मर ना पाए, याद करे तुझको ये जमाना, मन जयंतियां मन शताब्दियां, मन जयंतियां मन शताब्दियां, कुछ ऐसी करनी कर डालो, जीवन बनेगा उनकी शिक्षाएं अपना लो। ये पंक्तियां श्री शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, उसमें अंकित हैं। मुनि मायाराम की परंपरा के आप संत थे, इन जैसा संत विद्वान वीतरागी देखने में नहीं मिला। तो उन दो पंक्तियों को जिनको शंकर दयाल शर्मा जी ने भी कोट किया था, वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, इस मौके को चूकूंगा नहीं। मायाराम जी के ऊपर, माया पास में जब नहीं रहती तो फिर राम याद आते हैं, राम अगर माया दिलवा दे तो फिर राम नहीं भाते हैं, लेकिन माया राम को जप कर, लेकिन माया राम को जप कर, दोनों का संयोग मिला लो, जीवन बनेगा उनकी शिक्षाएं अपना लो। राम प्रसाद जी जो इतने बड़े संत हुए, आज उनकी याद में हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, निसंदेह ऐसे संतों की याद के अंदर जब कार्यक्रम किए जाते हैं तो आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके विषय में जानकारी, किस प्रकार धर्म के प्रचार और प्रसार में, किस प्रकार जो ग्रंथों का ज्ञान, उपदेशों का ज्ञान उन्होंने सारे समाज को वितरित किया और एक दिशा
समाज को दिखाई। आज उनकी याद में कार्यक्रम हो रहा है, मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं पूरे समाज को देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद। उनकी शादी से पहले की जब मैं गुरु महाराज की धारणा ली थी, गुरु महाराज ने एक पेपर रखा था और उसमें सिर्फ 3 दिन शेष बचे थे। गुरु महाराज ने कहा कि क्या आप ये पेपर देना चाहोगे, तो मैंने कहा जी महाराज, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं ये पेपर जरूर देना चाहूंगी और उसमें बैठूंगी। तो उस समय वो लोगसे का पाठ मुझे याद करना था। मैंने कहा कि मुझे संस्कृत इतनी अच्छी नहीं आती है, तो महाराज ने कहा कि आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपको 10 मिनट में हम वो शुरू करते हैं। 10 मिनट का इंतजार खत्म हुआ, गुरुदेव ने लोगसे का पाठ पढ़ना शुरू किया और जैसे ही वो पाठ पढ़ते रहे और मैं उसको वो 10 मिनट में ही मुझे वहाँ बैठे बैठे वो याद हो गया। तो ऐसे ही भगवान की कृपा, ऐसे भगवान का सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और कहते हैं ना कि गुरुदेव के दर्शन मात्र से ही जन्म तिर जाता है, भव सागर पार हो जाता है। इस धरा के हर एक कण में आपको पाते हैं, तालियों के साथ सुनेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। इस धरा के हर एक कण में आपको पाते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता जब भी ध्याते हैं। देवलोक में जहां विराजे हो मेरे गुरुवर, देवलोक में जहां विराजे हो मेरे गुरुवर, स्वीकारो ये नमन हमारा शीश नवाते हैं, स्वीकारो ये नमन हमारा शीश नवाते हैं। जब राग द्वेष मोह इत्यादि दुनिया में पाव फैलाता है, तब ही तुम जैसा राष्ट्र संत भटकों को मार्ग दिखाता है। अब आन पधारो हे गुरुवर, इस जग में विकट समस्या है, हर घर में हर एक देहरी पर रिश्तों की होती हत्या है, रिश्तों की होती हत्या है। तुम ही हो, बस तुम ही हो, हाँ तुम ही हो, बस तुम ही हो, इन शंकाओं का समाधान तुम वर्तमान के वर्तमान, तुम वर्तमान के वर्तमान। आप सभी मेरे साथ बोले, तुम वर्तमान के वर्तमान, तुम वर्तमान के वर्तमान। जय 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 जय। कि जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं, तो कोई कहे विद्वान मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं, तो कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहे के बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्यों रहते। अब आपकी तालियां तैयार हो, मेरी बात सही लगे तो मेरा साथ दे, मैं आप तक पहुंचती हूँ। कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्यों रहते। इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्यों रहते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। कार्यक्रम के दौरान आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने कार्यक्रम परिसर में समा बांध दिया। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं।
परमं हवये मंगलम पढ़मं भवये मंगलम ओ मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नमोगा हमें प्राणों से प्यारा नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो अच्छायाणम नमो हमें प्राणों से प्यारा भक्ति की है रात भगवत आज थाने आड़ो है भक्ति की है रात भक्ति की है रात भगवत आज थाने आड़ो है थाने कोण निभाड़ो है भक्ति की है रात भक्ति की है रात भगवत आज थाने संस्था के अध्यक्ष श्री रमेश जी श्यामड़ी की ओर से व समस्त कार्यकारिणी की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मंच पर वो पधारे मैं उनका निवेदन करता हूं। ईश्वरीय तत्व जिनके सानिध्य में रहकर हमें जीवन को समझने का मौका मिलता है, जीवन को अपने आप में परखने का मौका मिलता है। कई बार कई लोगों के साथ ऐसा अनुभव होता है कि जब मुझे जीवन को समझना चाहिए उस समय समझ नहीं पाए, और जब मैं समझ रहा हूं तब मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं उस जीवन को समझकर कुछ कर सकूं। तो यह बड़ा दुर्भाग्य का अवसाद अपने मन में कई बार अनुभव होता है। इसलिए जब हम ऐसे सानिध्य में होते हैं, ऐसे संत के सानिध्य में रहकर जब हम चीजों को समझते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि अपने जीवन के साथ साथ जीवन के अंदर जो जीवन है उसे समझना बहुत जरूरी है। जय महावीर जय महावीर चांदनपुर के जय महावीर जय महावीर जय
जय महावीर जय महावीर कुंडलपुर के जय महावीर जय महावीर जय महावीर कुंडलपुर के जय महावीर करुणा के भंडार हमारे महावीरा करुणा के भंडार हमारे महावीरा महावीरा हर दुख में तनहार हमारे महावीरा हर दुख में तनहार हमारे महावीरा शरण जो आते हैं भजन जुगाते हैं शरण जो आते हैं भजन जुगाते हैं उन पुण्यवानों के भाग जग जाते हैं कला सुंदरी है कि अंजन चोर है व्यथा जो सुनाते हैं मन से बुलाते हैं व्यथा जो सुनाते हैं मन से बुलाते हैं उन पुण्यवानों के भाग जग जाते हैं भक्तों के आधार हमारे महावीरा महावीरा भक्तों के आधार हमारे महावीरा और करुणा के भंडार हमारे महावीरा प्रभु के गुण गाऊंगी मैं तो चरणों में शीश नवाऊंगी मैं तो चरणों में शीश नवाऊंगी वंदन करूंगी पूजन करूंगी वंदन करूंगी पूजन करूंगी दर्शन पाऊंगी मैं तो आऊंगी 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 मैं तो पारस प्रभु के गुण गाऊंगी मैं तो चरणों में शीश दर्शन पाऊंगी पाऊंगी आऊंगी मैं तो पारस प्रभु के गुण गाऊंगी मैं तो महावीरा गुण गाऊंगी हो राम प्रसाद भगवन दुनिया में एक निराला योगी था राम प्रसाद भगवन दुनिया में एक प्रसाद भगवन दुनिया में एक निराला योगी था जिसने देखा मुंह से निकला वो मत वाला योगी था राम प्रसाद भगवन दुनिया में हो सबको सुहाए सबको सुख दे दिल की बगिया फुलवारी था सबका प्यारा सबकी श्रद्धा संस्कार शिवाना योगी था राम प्रसाद भगवन सब गाएं तो बहुत आनंद आएगा और ऐसे ही भजन गाने में आनंद बरसता है जब सब साथ में भजन करें राम प्रसाद भगवन दुनिया में ओ कड़वा बोल किसी ने बोला हंसा शुक्रिया माना था हम क्रोधित होकर शापित करना नहीं कभी भी ठाना था मंद मंद मुस्कान के मंत्र पढ़ने वाला योगी था राम प्रसाद भगवन दुनिया में एक निराला योगी था जिसने देखा
मुँह से निकला वो मतवाला योगी था। प्रसाद भगवान दुनिया में मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम ही भगवान मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू है मुझे और क्या कमी है, मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है, मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। तेरे दर्शनों को तेरे दर्शनों को भगवान मन ये तरस रहा है, तेरे दर्शनों को भगवान मन ये तरस रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को है वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। अजी पापों के दल दल में फंस कर पापों के दल दल में पापों के दल दल में फंस कर धर्म से सकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। बांध प्रभु को भक्ति भाव की डोर से, करूं प्रार्थना सब जीवों की ओर से, करूं प्रार्थना सब जीवों की ओर से। वीत राग व्यथितों के दुख पर ध्यान दे, हमको करें कृतार्थ कृपा की कोर से, हमें करे कृतार्थ कृपा की ओर से। प्रभु के नैनों से, प्रभु के नैनों से, प्रभु के नैनों से करुणा का नीर छलकता है, प्रभु के नैनों से करुणा का नीर छलकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। लेकिन मैंने उन्हें नजदीक से देखा और जब उनके बारे में चिंतन किया तो समझ में आया कि वो तो इस धरती पर एक अवतार के रूप में आए थे। इस अवतार भगवान रूप ही होते हैं, जिनके सामने मेरी तो क्या मजाल, इस विश्व में सभी आप झुक जाते हैं। कुछ महीने पहले मेरे मन में ख्याल आया जैसे भगवान श्री मुझसे कह रहे हैं कि भाई तू अच्छा मेरा भगत है, कहाँ खो गया है तू। तभी मुझे विचार आया और मैंने अपने कुछ सामाजिक मित्रों के साथ विचार किया और मुझे अपने भगवान श्री की पुण्यतिथि को भव्य रूप से मनाना चाहा, जिसका नतीजा आज सब आपके सामने है। भगवान श्री जय जय भगवान श्री। देहली यूपी जम्मू हरियाणा राजस्थान पंजाब चरण स्पर्श करे कर शुभ दर्शन, लब्धि सिद्धि सौभाग्य संवर्धन। प्रवचन कला समाधान सभी का, वीर वीर गुरु कहाँ नबी था। जहाँ जहाँ भी चरण टिकाए, उजड़े उपवन सरसब्ज बनाए। करदेव शास्त्र गुरुवर की बिना तो निश्चित होगा भाग्य उदय, करदेव शास्त्र गुरुवर की बिना
नहीं भाग्य उदय जय हो, नहीं भाग्य उदय सत्कर्म बिना, सत्कर्म न आए धर्म बिना। तीरों तलवारों को छोड़ो, बांसुर मदिरा से मुख मोड़ो, तलवारों को छोड़ो, बांसुर मदिरा से मुख मोड़ो, इनके सेवन में जय हो, इनके सेवन में बुराई है, इनके तजने में भलाई है। ये धर्म है जिन भगवंतों साधों संतों, इस धर्म का यारो जय हो, इस धर्म का यारो क्या कहना, ये धर्म है आत्मा का कहना, इस धर्म का यारो क्या कहना, ये धर्म है आत्मा का कहना। जय 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 भगवान, भूत प्रेत सिंह सर्प भय पीड़ा व्याधि हरे, स्वामी पीड़ा व्याधि हरे, अन्य देव ना दूजा, अन्य देव ना दूजा, ते सुख और समाधि, जय 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 भगवान, नाम जपे श्रद्धा से प्रातः उठ ध्यावे, स्वामी प्रातः उठ ध्यावे, यश लक्ष्मी सौभाग्य, यश लक्ष्मी सौभाग्य, घर दौड़ी आवे, जय 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 भगवान। और इस तरह परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज को बारंबार स्मरण करते हुए इस महामंगल कार्यक्रम को यहाँ विराम दिया गया। लेकर आते रहेंगे आपके लिए इसी तरह की